ये लीजिए चाय। चाय। थैंक यू वेरी मच। बड़ी देर लगा दी आज, काफी टाइम हो गया आज। हाँ थोड़ी देर तो लग गई। हम अपना घर कब लेंगे? वो लोन का क्या होगा? कब तक हम ये किराए के मकान में रहेंगे? मुझे अपना घर चाहिए। अरे यार मैं खुद परेशान हूँ। वो मेरा मैनेजर है ना खड़ूस, वो ना तो मेरा प्रमोशन कर रहा है और ना ही मेरा लोन पास करवा रहा है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें जल्दी यहाँ से कहीं बाहर लेकर जाऊंगा, परेशान मत हो। अच्छा एक काम करो ना। हाँ, बोलो। अपने मैनेजर को हाँ। खाने पे बुला लो अपने घर पे। ये आइडिया बढ़िया है। एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैनेजर को खिलाएंगे क्या? एक काम करना, तुम अपने मैनेजर से पता कर लो कि उसे खाने में क्या पसंद है, फिर मैं वही बना देती हूँ। ओके। क्या बोलते हो तुम? मेरे मैनेजर को, मैनेजर ज्यादातर पनीर बहुत खाता है, वही बनाओ तुम, है ना? तो मैं ऐसा करता हूँ, घर पे उसको बुलाता हूँ। अच्छा। और पनीर लेकर आता हूँ, तुम पनीर तड़का मार के बनाओ बढ़िया सा, ठीक है? क्या करें, पटाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, फिर शायद लोन पास हो जाए। ठीक है तो फिर चलो मैं चलता हूँ, है ना? अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, ठीक है? चलो बाय। बाय। सर चाय लीजिए। आप भी लीजिए। कैसी है सर चाय? बहुत अच्छी है। जितनी खूबसूरत तुम्हारी वाइफ है उतनी ही अच्छी चाय है। थैंक यू सर। सर आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल डिश बनाई मेरी वाइफ ने। क्या पनीर की सब्जी बनाई है क्या? अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, की फेवरेट जो है। अरे वाह, आपका स्पेशल ध्यान रखा है हम लोगों ने। ठीक है। पर सर आप तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते हो, कब तक हम एक किराए के घर पर रहेंगे? सर प्लीज वो लोन दिलवा दीजिए ना। हाँ सर प्लीज। ठीक है। आप खुद देख लो कितनी परेशानी में है हम, देखिए घर का हाल। कुछ करिए सर इसके बारे में। प्लीज सर, ये भी तो इतने साल से आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ सर, देखिए सर बात ये है ना कि बार बार ये रेंट देने से अच्छा है कि मैं अपना घर ले लूँ लोन पर, उसका ईएमआई भरता रहूँ मैं, मेरे लिए बात वही हो जाएगी। अगर आप सर हमारी जितने हेल्प पैसे हम रेंट देंगे उतने का हम ईएमआई भर दिया करेंगे। सर एक मिनट मैं बात करके आता हूँ अभी। हाँ एक मिनट। हेलो, अरे मेरे लोन का कुछ हुआ क्या यार? जरूरी है घर खरीदना, समझा करो। देखिए मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मतलब सर? मतलब तुम्हें अच्छी तरह पता है उसका प्रमोशन, और बस तुम्हारा ये छोटा सा घर, ये सब बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। सर सॉरी सर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। हाँ, वैसे सर okay. आपको चाय कैसी लगी सर? अच्छी। सर खाना खाएं? नहीं नहीं अभी मुझे
एक मीटिंग के लिए अर्जेंट जाना है। अच्छा, कुछ काम आ गया है, तो नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। तो ठीक है सर, ओके आइएगा। तो तुमने बात की सर से? हाँ, बात तो किया है मैंने। तो क्या बोले सर? देखते हैं क्या होता है। बस देखते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड सर। वो थोड़ा लोन के लिए आपने कुछ सोचा क्या? एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है और मेरी बीवी घर छोड़ के ना भाग जाए सर, तो देख लीजिए सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। वैसे भी रोज़ उसकी किचकिच सुननी पड़ती है और रेंट का भी थोड़ा इशू हो रहा है सर, इसीलिए सर सर प्लीज़ कर दीजिए ना सर, प्लीज़। एक काम करो जी, अपनी बीवी का नंबर मुझे दो, मैं उसी से मिलता हूँ। ओके ठीक है सर। और मैं देखता हूँ, जल्दी ही करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। ये लीजिए। चाय कॉफी तो दिन भर ऑफिस में पीता ही, आज कुछ पास आके बैठिए ना। सर, मेरे पति का प्रमोशन हो जाएगा ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों? अभी करता हूं। तो करिए। हेलो जी सर, बोलिए ना। सुनो, प्रवीण का लोन जी सर, और उसका प्रमोशन जी सर, दोनों का लेटर उसके घर पे भिजवा दो। ओके सर, अभी भिजवा देता हूँ। खुश? थैंक यू सो मच। अभी तक नहीं आया, आज क्या हो गया इसको, कहाँ रह गया? परेशान क्यों हो? अरे यार, ना लोन पास हो रहा है और ना मेरा प्रमोशन हो रहा है। अरे हाँ, कोई फाइल आई है। क्या? ये क्या है? अरे ये तो लेटर लोन का है। अरे मेरा लोन पास हो गया और ये तो मेरा प्रमोशन भी हो गया। हाँ? ये सच? प्रमोशन और ऑफिस का लेटर है। अरे अरे वाह, ये तो सबसे अच्छी न्यूज है आज की। सक्कू, ऐसा क्या किया तुमने? आई रियली लव यू सक्कू, यू आर ग्रेट।